मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स बुक. ओके, एंड टुडे वी विल डू द एक्सरसाइजेस. ओके, सो आउट द पेज नंबर 102. ओके, एंड टुडे वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स में भी टाइप्स होते हैं. अब इसमें पहला ट्राइंगल कौन सा है? देखो ये वाला. ए ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्राइंगल. वो ट्राइंगल जिसकी अनइक्वल साइड्स है, उस ट्राइंगल को कहा जाता है स्केलेन ट्राइंगल. ओके, see this one. A triangle having two equal sides is called a isosceles triangle. जिसकी दो equal sides होती है उसे क्या कहा जाता है? Isosceles triangle. Now, a triangle having three equal sides is called a equilateral triangle. जिसकी तीनों equal sides होती है उसे क्या कहा जाता है? Equilateral triangle. हमने कौन से ट्राइंगल पढ़े? एक तो जिसके अनइक्वल साइड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्केलिन ट्राइंगल. ओके, एक जिसके टू इक्वल साइड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. और एक वो जिसके थ्री इक्वल साइड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, अब इसमें और भी है. नेमिंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. इन इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 degree देन ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. लेस देन 90 degree तो वो कौन सा एंगल होगा? लेस देन 90 degree एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, जो 90 degree होगा वो है राइट एंगल ट्राइंगल. और जो मोर देन 90 degree है वो एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. समझ आया? अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस. टेक आउट द पेज नंबर 103. लेट्स सी एक्सरसाइज 5.6. 5.6 में फर्स्ट क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल. हमें क्या करना है? फॉलोइंग जो ट्राइंगल्स दिए हैं उसके टाइप्स बताने हैं. अब देखो, जो ट्राइंगल है पहला, उसकी लेंथ, अरे सॉरी, जो साइड्स है वो क्या है? एक 7 centimeter है, एक 8 centimeter है, और दूसरा कौन सा सेंटीमीटर है? 9 centimeter. तीनों की साइड्स क्या है? अनइक्वल. तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? स्केलेन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल हुआ स्टूडेंट्स? स्केलेन ट्राइंगल. अब ये देखो, ट्राइंगल एबीसी है, उसका ए बी 8.7 है, बीसी 7 centimeter है और बीसी 6 centimeter है. तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ स्टूडेंट्स? ये भी हुआ है स्केलेन ट्राइंगल. ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 5 centimeter. मीन्स तीनों की साइड्स इक्वल है. तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, अब डी देखो. मेजर एंगल डी इज 90 degree. 90 degree है तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? बताओ बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखो, इसमें एंगल वाई 90 degree है और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड. मीन्स दो साइड्स आर इक्वल. तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ?
आइसोसीलेस ट्रायंगल. ओके सी, एक एल है 30 डिग्री, एम है 70 डिग्री, एन है 80 डिग्री, यानी कि तीनों की डिग्रीज क्या है, अलग अलग है. तो ये कौन सा ट्रायंगल हो चुका, बताओ बताओ, स्केलेन ट्रायंगल, जिसके अनइक्वल साइड्स है उस एंगल को कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल. ओके अंडरस्टूड. इसे हम एक्यूट भी बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज भी बोल सकते हैं F को. चलो मैचिंग देखते हैं. मेजर्स ऑफ ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है. अब मेजर्स ऑफ ट्रायंगल में स्टूडेंट्स देखो, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ई. टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. और ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ कौन सा है? स्केलेन ट्रायंगल. थ्री एक्यूट एंगल्स कौन से हैं? थर्ड का क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए आएगा थर्ड का, नॉट फिफ्थ वन. फिफ्थ का क्या आएगा स्टूडेंट्स? राइट एंगल. थ्री का एक्यूट एंगल आएगा राइट एंगल में, राइट एंगल आएगा ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा. और वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ जो है उसके अंदर आएगा, क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है. और इसका जी आएगा, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, सी क्वेश्चन नंबर थ्री. वेट, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज. यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाई ऑब्जर्वेशन. मीन्स आपको ये, इसको देख कर ही आपको जज करना है कि ये कौन सा एंगल है. ओके अब देखो, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि दो इक्वल साइड्स है, है ना, दो इक्वल साइड्स है. तो इसे क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंड आइसोसीलेस ट्रायंगल. क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब ये वाला देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है. एक 90 डिग्री है, तो एक तो राइट एंगल बोल सकते हैं इसको, और इसमें सारी साइड्स क्या है? अनइक्वल. तो राइट एंड स्केलन ट्रायंगल. ओके अब इसमें ये देखो, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये देखो ऐसा ब्रॉड आ रहा है, तो ना 90 डिग्री है ना एक्यूट एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज है. और इसकी कितनी इक्वल साइड्स है? दो. तो ऑब्ट्यूज प्लस आइसोसीलेस ट्रायंगल. ओके अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके एंड रिमेनिंग थ्री यू हैव टू डू बाय ओन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, सी क्वेश्चन नंबर फोर. Try to construct a triangle using matchstick. Sums are shown here. Can you make a triangle with? देखो, 3 matchsticks होंगे तो obviously triangle बन रहा है. 4 होंगे तो भी बनेगा. 4 होंगे तो बनेगा. 4 matchsticks से triangle नहीं बनेगा. Then 5 matchsticks से? No. 6 matchsticks से? No. तो इधर लिखना है बस आपको, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके समझ आया? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक विथ 3 matchsticks, 4 matchsticks, 5 matchsticks and 6 matchsticks, बिकॉज इट शोन्स अ लाइन सेगमेंट
एंड हियर वी कांट क्रिएट इट प्रॉपरली. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नाउ योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 5.6, पेज नंबर 103. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.